हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय नरवल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ सुगंधा ऑटोमोटिव टाटा के शोरूम में और आज मैं आपको 2022 टाटा नेक्सोन एक्जेट प्लस जो डार्क एडिशन है उसका एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप टाटा की कोई सी भी गाड़ी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं टाटा नेक्सोन एक्जेट प्लस डार्क एडिशन, ये डीजल वेरिएंट है 2022 का। कुछ इस तरह की इसमें आपको मिल जाती है, लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स का जो इस बटन दिया गया है। और ये डार्क एडिशन है, डीजल वेरिएंट। इसकी एक शोरूम प्राइस है 12,84,900 रुपये, एक शोरूम नीमच। इसकी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है विद इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ में, और यहीं पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है। यहीं पर नीचे आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है काफ़ी बड़ी, जो कि इसके लुक को और भी बढ़ाती है। यहीं पर सेंटर में आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है टाटा का लोगो, और साथ में आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। नीचे आपको यहाँ पर ट्राई एरो के साथ में इसकी जो ग्रिल है वो दी गई है, जो कि इसके लुक को और भी बढ़ा देती है। इसके माइलेज की बात करें तो ये हाईवे पर आपको देगी 21.5 किलोमीटर पर लीटर, और सिटी में आपको देगी 17 से 18 का। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको डार्क की बेजिंग दी जाएगी क्रोम में। और टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 215/60 R16 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं विद डायमंड कट अलॉय व्हील। और यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 209 mm का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और कुछ इस तरह दिखा देती है इसकी साइड प्रोफाइल, ये रेडी हो चुकी है डिलीवरी के लिए। और इसमें आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, और ये देख सकते हैं इसकी साइड प्रोफाइल। और ये 5-स्टार रेटिंग गाड़ी है फुल सेफ्टी के साथ में। इसका जो डोर है वो 90° ओपनिंग के साथ में आपको मिल जाता है, और इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, यहाँ पर आप इसको दबाकर जो इसको गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी के जो गेट है वो आपको 90° ओपनिंग के साथ में मिलते हैं। इसमें आपको ब्लैक ग्लॉसी पियानो फिनिशिंग दी गई है, और यहाँ पर आपको ऊपर लीवर दिया गया है, और इसकी पावर विंडो दी गई है जो कि इलेक्ट्रिकली है। और यहीं पर आपको नीचे इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और ऊपर ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। और कुछ इस तरह दिखाई देता है इसका जो केबिन है, यहाँ पर आपको ह्यूज केबिन मिल जाता है जिसमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है। और यहीं पर नीचे आपको पेडल्स दिए गए हैं ब्रेक एक्सीलेटर और क्लच के, और सीट के नीचे आपको यहाँ पर लीवर दिया गया है जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, और सीट की हाइट भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लो फ्यूल अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, इसमें आपको फास्ट USB चार्जर मिल जाता है, और टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ में आपको यहाँ पर इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, और सीट्स इसमें आपको लेदर की मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया इसका कंफर्ट है। यहीं पर आपको हैंडब्रेक मिल जाता है, हैंडब्रेक की प्लेसमेंट मिल जाती है, और यहीं पर आगे आपको छोटा सा नॉब मिल जाता है जिसमें आपको सिटी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी मोड इसमें आपको मिल जाता है। और इसी के आगे आपको यहाँ पर 6-स्पीड मैनुअल गियर नॉब मिल जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखाया जाता है इसका गियर नॉब। और यहीं पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाते हैं। सामने यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट, AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहीं पर साइड में आपको यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, और को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है कंपनी की ओर से, देख सकते हैं ये। और सेंटर में आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है, देख सकते हैं LED लाइट इसमें आपको मिलती है, ये कुछ इस तरह दिखाई देती है, और काफ़ी बढ़िया इसका जो है लाइट का थ्रो है। ऊपर आपको यहाँ पर 3 बटन मिल जाते हैं सनरूफ के, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको मिल जाता है ऊपर, और ऊपर यहाँ पर आपको माइक मिलता है। ड्राइवर साइड आपको केवल यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। और कुछ इस तरह दिखाई देता है इसका जो बटन है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन, यहाँ देख सकते हैं इसको अगर आप एक बार दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, देख सकते हैं ये, और ये स्टार्ट हो गई है। काफ़ी बढ़िया फीचर इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कंपनी की ओर से। और यहीं पर आपको मिलता है यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में इसका मिलता है RPM मीटर, सेंटर में आपको यहाँ मिलता है डिजिटल स्पीडोमीटर, और राइट साइड में आपको यहाँ पर मिलता है फ्यूल गेज। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB पोर्ट और काफ़ी सारे कनेक्टिंग फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। यहीं पर नीचे आपको हजार्ड लाइट का बटन दिया गया है, दोनों तरफ आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको डार्क में नेक्सोन की बेजिंग मिल जाएगी, और उसी के नीचे आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है जिसकी मूवमेंट काफ़ी स्मूथ है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है इसकी मूवमेंट है, स्मूथली वर्क करती है। और यहीं पर आपको राइट साइड में इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो मिल जाते हैं, सेंटर में टाटा का लोगो, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग के पीछे आपको यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और उसी तरफ यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो इसका वाइपर है
उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहीं से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करें सीट्स की, तो काफ़ी बढ़िया इसमें सीट आपको मिल जाती है जो कि लेदर की है। इनका जो कंफर्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल पर आपको मिलता है, काफ़ी बढ़िया आपको कंफर्ट देगा ये। और यहीं पर देखेंगे आप सामने तो देख सकते हैं ये हजार्ड लाइट, एसी वेंट्स, नेक्सॉन की बेजिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये सिक्स स्पीड गियर नॉब, और यहाँ पर देख सकते हैं सिटी, स्पोर्ट्स, इकोनो मोड, और यहाँ मिलती है आपको छोटी सी स्पेस, यहाँ पर आप खुद ही अपना सामान रखते हैं, बोतल वगैरह। दोस्तों खास बात तो यह है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह काम करता है। जो ये पहला बटन है इसको आप अगर दबाएंगे तो जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसके जस्ट जो पास बटन है सेंटर में, अगर आप उसको दबा कर रखेंगे तो जो सनरूफ है ये क्लोज़ हो जाएगा, इसको दबा कर रखना पड़ेगा तब ये क्लोज़ होगा कुछ इस तरह से। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे जो सनरूफ का जो सिस्टम है। नेक्सॉन का जो फ्रंट केबिन है इसमें को काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है। अब देखते हैं जो इसके सेकेंड रो इसमें कितनी स्पेस आपको मिलती है। और ये गाड़ी रेडी हो चुकी है डिलीवरी के लिए, कभी भी आ सकते हैं डिलीवरी के लिए। और जो इसके सेकेंड रो है और जो इसके जो पीछे के गेट्स हैं वो भी 90 डिग्री ओपनिंग के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, देख सकते हैं जो इसके हैंडल्स हैं और ये 90 डिग्री ओपनिंग, देख सकते हैं गेट ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आपको मिलते हैं जो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ये लीवर, यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाएंगे, और ये हैंडल्स, यहाँ पर नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, और नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर और ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसमें आपको केबिन मिल जाता है। अब अंदर बैठ कर देखते हैं इसमें आपको कितनी स्पेस दी गई है। जो फ्रंट की सीट है ड्राइवर की वो मेरे अकॉर्डिंग सेट कर रखी है 5.8 फीट के अकॉर्डिंग, और जो देख सकते हैं आपको लेग रूम मिलता है, काफ़ी बढ़िया इसमें आपको लेग रूम मिलता है, आराम से आप अपने पैर जो है वो स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। और जो पीछे की रो है उसमें आप आराम से तीन लोग बैठ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट में, और जो सेकेंड रो है वहाँ पर आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे आपको यहाँ पर एसी इवेंट्स भी दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया इसमें ये सिस्टम है। और पीछे आपको यहाँ पर कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें आपको स्पेस दी गई है। सीट इसमें आपको लेदर की मिलती है, और पीछे आपको सीट बेल्ट भी दिए गए हैं, साथ ही आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। और ये कुछ इस तरह दिखाई देता है इसका डैशबोर्ड। अब बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 108 bhp की पावर जनरेट करता है, और टॉर्क 260 न्यूटन मीटर का। और जो पीछे की सीट्स है वो आपको 60-40 के रेशियो में आपको फोल्डेबल मिलती है, और बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है नेक्सॉन की, बोल ही नहीं सकते। यहाँ पर आपको ऊपर रूफ रेल्स, शार्क पिन एंटीना और इंटीग्रेटेड यहाँ पर आपको स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि इसके लुक को भी बढ़ाता है। और जो इसके रियर टेल लाइट है यहाँ पर आपको LED भी मिलती है, देख सकते हैं पीछे के लाइट्स है वो आपको LED मिलती है। और यहीं पर नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा जो कि इसके लुक को और भी बढ़ाएगा, और काफ़ी यूज़ में आता है जो रिफ्लेक्टर दिया गया है ये। पीछे आपको यहाँ पर दो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, पार्किंग के वक्त आपको हेल्प करेंगे, और ये नेक्सॉन की बेजिंग डार्क में। और यहाँ पर आपको मिल जाता है रिवर्स कैमरा, और ये टाटा का लोगो। पीछे आपको वाइपर, वॉशर और डिफोगर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लेना आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये वोकल फॉर लोकल की स्टिकर यहाँ पर आपको मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ गाड़ी में आपको यहाँ पर शेर और शेर का बच्चा जो है इस पर आपको हर गाड़ी में मिलेगा नेक्सॉन में। और ये है डार्क एडिशन टाटा नेक्सॉन का XZ प्लस, और ये है इसका रियर लुक। और पीछे भी यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इसे दबा कर आप बूट स्पेस को ओपन कर सकते हैं। इसके बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी सामान रखने के लिए, और अंदर यहाँ पर आपको एक्सेसरी किट है वो रखी हुई है, देख सकते हैं ये। और यहाँ पर इसमें दो तीन किट इसको आपको मिल जाती है, इसमें आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा यहीं पर नीचे, और 3-3 kg के दो खूब, और इल्यूमिनेशन लाइट भी यहाँ पर आपको बूट में आपको मिल जाती है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इतने सारे आपको यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और ये है इसकी बैक प्रोफाइल, काफ़ी बढ़िया स्ट्रेस दिखती है। और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों यही था आज के वीडियो में, आज मैंने आपको डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू दिया है टाटा नेक्सॉन XZ प्लस डार्क एडिशन, जो कि डीजल वेरियंट है। बस यही था इस वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। देख सकते हैं डार्क की बेजिंग है, ये डार्क एडिशन है, काफ़ी बढ़िया इसका जो लुक है, काफ़ी बोल्ड और अट्रैक्टिव लुक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।